सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज जो सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, पोस्टर लॉन्च हो रहा है, अहम ब्रह्मानी जी, क्या फिल्म है ये? संस्कृत में पहली बार बनने वाली है फिल्म, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये फिल्म है अहम ब्रह्मास्मी, भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मेन स्ट्रीम संस्कृत फिल्म है जो कम्प्लीट हो चुकी है। उसका पोस्टर और गाना लॉन्च करने वाले हम लोग। संस्कृत को सरलता से दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए बनाई फिल्म। संस्कृत जो पिछले हजारों सालों से गुलामी के दौर में संस्कृत को समाप्त करने की हर पल कोशिश लोगों ने की और संस्कृत मृतप्राय भी हो गई, तो संस्कृत को के पुनरुत्थान के लिए हमने फिल्म बनाई है अहम ब्रह्मास्मी। सर, ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है बॉलीवुड के नॉर्मल मूवीज से, तो ऐसी मूवी क्यों चुनी आपने, मतलब संस्कृत में बनाई? ये पूरे विश्व के लिए अनोखी फिल्म है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, देवनागरी लिपि है, उसमें से हिंदी निकला, उसमें से मराठी निकला, प्लस सैकड़ों भाषाओं को उन्हें जन्म दिया। वो आज मृतप्राय है, उस पर कोई काम नहीं करता, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाता, उसको जनसाधारण में उसको कोई लाने की कोशिश नहीं करता। तो हमने फिल्म के माध्यम से, फिल्म एक बढ़िया जरिया है, अच्छा जरिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूं संस्कृत का प्रचार हो, उसका विकास हो, लोग उसको समझें। बहुत अच्छी और सरल और आसान भाषा है, मैं बताऊँगा अभी, अब तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, अब वो देख के अच्छा लगेगा। सर, क्या आइडिया थी इसके पीछे, मतलब क्या इंस्पिरेशन मिला आपको कहानी? नहीं, भारतीय कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि भारतीय सनातन, भारत का जो सनातन गौरव है वो दुनिया कोने कोने में आना चाहिए। विश्व गुरु बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, पहले भी हम लोग थे। तो हम लोग अपनी पुरातन काल की चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, उसको लेकर साथ में चलेंगे नहीं, हम कौन क्या अपनी मूल जड़ों को टच नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो संस्कृत से बेहतर कोई माध्यम नहीं है जो हम उसको लेकर कहीं जा सकें। सर, आजकल का जो यूथ है उसको मतलब इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, संस्कृत की और भारतीय संस्कृति की, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और मतलब इस फिल्म के दौरान क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए, संस्कृत धरोहर है, हर जैसे हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप की विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए, सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी घोड़े घर बंगला लेना चाहते हैं, तो अपने मूल को भी लेना होगा आपको। मूल है संस्कृत, मूल है सनातनता, मूल है राष्ट्रवाद, वो आपको लेके चलना होगा। अगर हम लोग आर्थिक रूप से पुरानी चीज़ों की कीमत करते हैं तो आपको अपने मूल में जाना होगा, जिसकी वजह से भारत बना, आर्यावर्त बना, जमीन का निर्माण हुआ। तो उस विचार को लेने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, अपने मूल जड़ों को तब के बारे में बताने के लिए मैंने फिल्म का निर्माण किया अहम ब्रह्मास्मि। सर, राष्ट्रपुत्रा की बात करें तो वो केन में हुआ है, दिखाया गया है और इतना सक्सेसफुल है, उसके बारे में कैसे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रपुत्र की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि आज़ादी की आज़ादी के यज्ञ में, आज़ादी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। वो बुनियाद रही कि हम लोग सर फिल्म राष्ट्रपुत्रा के बहाने चर्चे आज़ाद की व्यक्तित्व के विचारों को दुनिया तक कोने को पहुँचाएँ। वो आज भी सार्थक है, आज भी हर व्यक्ति को चर्चे आज़ाद जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, जो अपने जान को परवाह न करते हुए देश के डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे गुलामी से आज़ादी कराना हो। आज भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चर्चे आज़ाद जैसे विचार रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या खत्म कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात करें तो फिल्म ऐसी एक मीडियम है जहाँ पे हम कई सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हिस्टोरी की क्यों ना हो, हमारी संस्कृति की बातें क्यों ना हो। आप जिस टॉपिक का अगर हम बात करें तो यही सारे टॉपिक ही क्यों हम देख रहे हैं कि आगे और क्या चीज़ें देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो मैं राष्ट्रवाद लेके चल रहा हूँ, क्यों जैसे मैंने कहा कि सनातन गौरव, तो विषय तो एक ही रहता है। हर आदमी को अपने परिवार, समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना होगा, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो। राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम, ये विचार सबको रखना होगा। राष्ट्र से बड़ा कोई है नहीं, राष्ट्र है तो हमें, उसी विचार के आसपास मैं हूँ, उसी के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण किया अब अहम ब्रह्मास्मि का भी। सर, ऑल्सो फिल्म में एंटरटेनमेंट कितना होगा, क्योंकि जो यूथ देखने आएगा उनको मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेज मिलता है तो वो देखना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, तो इस फिल्म में एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना होगा? देखिए, अपने हम माँ से बात करते हैं, सुस्त उसमें एंटरटेनमेंट है नहीं ना। तो संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, जिस तरह माँ हमारी ध्यान रखती है, संस्कृत ने हमको निर्माण किया, डेवलप किया, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उसमें अगर एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे फिर वो चीज़ के बाद, फिर भी मैंने वो चीज़ रखी है, अभी आप देखोगे एंटरटेनमेंट ध्यान रखा है, लेकिन मैं उससे जरूर चाहता हूँ कि एक प्रेम का भाव जो अपने परिवार के प्रति होता है वो लोग संस्कृत के प्रति रखें, अपने देश के जान देने वालों के प्रति रखें, उन्हें अपने परिवार का, समाज का अपना हिस्सा माने, ये मेरा विचार है। सर, जिस तरह का प्यार जो है राष्ट्रपुत्रा को मिला है, उससे मतलब जो दूसरी फिल्म आप बना रहे हैं उसको लेकर कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि उससे अच्छा करना है या फिर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उसको लेकर अगर?
देखिए संस्कृत पे काम करना अपने आप में अनोखा काम है, यानी उसके बारे में सोचना भी, क्योंकि मैं अगर जैसा चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, साथ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मुझे अच्छी टीम मिली, बामोटा के साथ मिला, सारे लोग अच्छे मिले, मेरी चीज़ों कर मेरी बातों को समझ के वो लोग साथ में इन्वॉल्व हुए और मुझे करना चाहता था, आँख बंद के मेरे बोलने पे मेरे रास्ते पे चले। इसका नतीजा है कि अहम ब्रह्मास्मि जैसे एक महान, मतलब कहता हूँ कालजी फिल्म है, आप देखेंगे आने वाले कल उस वक्त बताएगा, एक फिल्म बना दी है जिस जो पूरे देश को दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है। तो सर ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, मतलब देखेंगे बता दो, माँ की तरह माँ किसी भी हालत में लोग प्रेम करते हैं, और संस्कृत की भाषा है, संस्कृत सारी जैसे मैंने पहले कहा सारी भाषाओं की जननी है, देवनागरी लिपि है, हिंदी मराठी उसी में जन्म लिया, और संस्कृत दम तोड़ रही है, बाकी भाषाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो व्यक्तिगत तौर पर सबको जोड़ने वाली मूल भाषा संस्कृत है, हजारों साल से आदिकाल की भाषा है, देव भाषा है, देवों की भाषा है, और उसको लेके चलते हैं तो कितनी चीज़ें उसमें मिलती हैं। जैसे कई शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत में जो मूल संस्कृत है उसे रूपांतरण करते हैं तो कई चीज़ भाव बदल जाते हैं। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कोई शब्द को तो फ्रेंच जर्मन का, हो सकता है कि जो मूल जिसने लिखा उसके बदले कोई और भाषा सुने, हम लोग हिंदी में या मराठी में या किसी और भाषा के अंदर। तो संस्कृत अगर मूल हम समझेंगे तो संस्कृत से बहुत कुछ हम जान सकते हैं। आज ज्योतिष के लोग बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो अगर हमने पुराने काल में जाएंगे तो कई चीज़ों की समस्याओं का समाधान है संस्कृत के अंदर। सर फिल्म में म्यूजिक किस तरह का होगा? अच्छा है, बढ़िया, लॉन्च करने वाला, देखना अच्छा काम दिया हमने। लेकिन बहुत सारे मतलब अभी जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे डांसिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें कितना अलग म्यूजिक होगा, क्योंकि जो गाने होते हैं वही फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, तो अगर आप कुछ थोड़ा सा। देखिए मूल भावना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मूल भावना हमने सनातनता का रखा है, राष्ट्रवाद का रखा है, शब्दों का रखा है, अभी आप देखोगे सुनकर अच्छा लगेगा। मतलब सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स। हाँ हाँ, मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ने जाता हूँ कि एक सरल भाषा में संस्कृत, जैसे रामदेव बाबा के पहले संस्कृत जब भी लोग योगा की बात करते थे टांग उठा के यहाँ डाल लिया, ये उठा के वहाँ रख लिया, नहीं इतना हार्ड दिखाते थे जो करना चाहे नहीं करते, तो उन्होंने कितना सरल कर दिया योगा को, घर घर पहुँचा दिया। तो मैं चाहता हूँ संस्कृत भी घर घर पहुँचे, लोग कोशिश करें, मुश्किल जरा भी नहीं, मैं साबित करूँगा आने वाले कुछ दिन में जनरल फंक्शन होगा, तो वो बहुत आसान भाषा है। ये जुलाई के पहले हफ्ते में। थैंक यू, धन्यवाद भाई। मैं वहाँ जो बोलना है उसको बोल के भी कार्यक्रम भी बैठो दिनेश जी बैठो, सर सर बोल। डन सर, थैंक यू। नाउ द टाइम फाद फाद नीचे ही रहे भाई। दादा बैठो बैठो, इधर से आओ। राष्ट्रवाद के महासम्मेलन में जो भी उपस्थित हैं उन सभी महानुभावों को मैं अभिजीत गढ़वारी, बॉम्बे टॉकीज आजाद और टीम आजाद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई नीचे नीचे। आज बहुत कम समय में एक कथा यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कथा यात्रा है 1934 से लेके अभी 2019 तक। इसमें हुआ क्या है, आज इस पुण्य पावन समारोह में हम अपने बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वजों की त्रिवेणी राज नारायण दुबे, हिमांशु राय और देविका रानी की अदेही उपस्थिति को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1934 में राज नारायण दुबे ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। बॉम्बे टॉकीज भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ के रूप में, सिनेमा के इतिहास में ध्रुव तारा की तरह चमकता रहा, लेकिन अपनी प्रगति के साथ, उन्नति के साथ, अपने ही लोगों के लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने बॉम्बे टॉकीज के उत्तरोत्तर वृद्धि में ग्रहण लगा दी और
असमय बॉम्बे टॉकीज का सूर्यास्त हो गया। दीप जलाया रची दिवाली, फिर भी न मिटी अमावस काली, व्यर्थ हुआ आह्वान स्वर्ण सवेरा रूठ गया। राष्ट्रपुत्र आज कांस में भव्य प्रदर्शन होकर पूरे विश्व में गरिमा के साथ, भव्यता और दिव्यता के साथ चंद्रशेखर आजाद के विचारों का वैश्विक प्रदर्शन हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के साथ भारत के उस मूल अध्यात्म की जड़ों को आज की युवा पीढ़ी, आज के सिनेमा दर्शकों को सम्मुखीन करने के लिए उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का निर्माण किया। अहम ब्रह्मास्मि जड़ों की ओर लौटने की प्रक्रिया है। ये तू स्वर्ग तरंगिनी विसलता लेशेण संवर्धिता, गांगम निरमपि त्यजंती कलुषम ते राज हंसा वयम। ओ शुभ्र कमलों मसृण मृणालों पर पनपे पले पोसे राज हंसो, एक दिन तुमने अपनी सुरुचि की दुहाई देकर हमारी धरती पर बहती मटमैली गंदी गंगा को उपेक्षा, घृणा और हितारत की नजरों से देखकर उसकी ओर से पीठ फेर ली थी, और सहसा अपने डैनों को फड़फड़ा मानो उसे फटकार कर ही उससे दूर होते, छोटे होते अनंत अंतरिक्ष में खो गए थे। ये आह्वान है आजाद का अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, लौटो जड़ों की ओर, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। वो जो स्वसत्ता का धर्म है, वो जो तुम्हारे स्व का धर्म है, उसके निर्वहन के लिए अगर तुम मर भी जाते हो, मिट भी जाते हो, तो भी श्रेयस्कर है। इस तरह मिटकर तुम अपने आप को पालो। कहना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन अब समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं आजाद को। आजाद, हे क्रांति बीज, हे राष्ट्रपुत्र, गुंजित कर दो पथ का कण कण, कह राष्ट्रपुत्र जिंदाबाद। मर्त्य मानव का विजय का तूरी हूं मैं, राष्ट्रपुत्र हूं अपने समय का सूरी हूं मैं। आजाद, आप आए अपने आग्नेय विचारों से संबोधित करें। आज का दिन भारत के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, और भारत के सनातन गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले मैं क्रांतिकारी विचारधारा बनी चर्चा आजाद को समर्पित फिल्म राष्ट्रपुत्र के भारत से लेकर फ्रांस तक के सफर के बारे में मैं बताऊंगा, और धन्यवाद दूंगा उनको जिन्होंने सफर में सहयोग दिया, उन सहयोगियों को। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज टीम के सिवाय भारतीय सिनेमा के स्तंभ पुरुष ऑफ इंडियन सिनेमा राज नारायण दुबे के पुत्र और प्रेरणा स्रोत घनश्याम दुबे जी, जिनके सहयोग और प्रेम और मार्गदर्शन की वजह से राष्ट्रपुत्र को वो सफलता मिली और चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया कोने कोने पहुंचाने का मौका मिला। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला कारण ये था कि आज़ादी के क्रांति यज्ञ में हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। मेरी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि, उसके बुनियाद में 2016 का जेएनयू का उनारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई, मैंने उसी मैदान से वहाँ पर जवाब दिया, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये जो नारा जो हमने दिया है, जवाब दिया, इसका नतीजा है कि राष्ट्रवाद के रूप में
देश का बच्चा बच्चा आज की तारीख में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। एक ही सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम, ये मूल सिद्धांत है। इसका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो किसी भी राष्ट्र का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। देव भाषा संस्कृत पिछले हजारों साल की गुलामी के दरमियान पीड़ित और संतप्त रही है और मृतप्राय रूप में आज की तारीख में हिंदुस्तान में होने के बाद हिंदुस्तान में नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, कोई कहीं और शोध कर रहा है, लेकिन शोध का नतीजा आम जनमानस में नहीं है। मैं चाहता था कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो और हर व्यक्ति इसको समझे जाने। मेरे नज़र में संस्कृत से आसान कोई भाषा नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत के ऊपर और मेरा मानना है कि देवनागरी लिपि, मराठी, हिंदी सब वही है, जननी, सैकड़ों भाषाओं की जननी जिस तरह मृतप्राय है बहुत साधारण चीज़। आज लोग जो शोध कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, अब ये क ख ग ग हंग च छ ज ज, इसमें शोध क्या कर रहे हैं? जैसे सरल भाषा में कहना चाहूँ तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर भी कहता है। सुषमा स्वराज ने कुछ पिछले साल कहा था कि कंप्यूटर सबसे आसान समझता है संस्कृत के, संस्कृत के अगर हमें अगर कंप्यूटर में डालना चाहे, बोलना चाहे, तो उसका सही जवाब देता है। बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, उसका ट्रांसलेशन किसी और भाषा में कहीं और हो सकता है, यानी दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण दूंगा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विप्र यानी ज्ञानी लोग व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं किसी भी सत्य का। अब इसको कहीं से भी लेके चलोगे वहीं जाएगा। एकम सत्य, सत्य एकम, विप्रा बहुधा वदन्ति, बहुधा विप्रा वदन्ति, वदन्ति बहुरा बहुआ विप्रा। उसी तरह वादे वादे जाते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्व बोध, यानी वाद विवाद का ज्ञान विचार विमर्श से होता है। हम करके हम निष्कर्ष पहुंच सकते किसी वाद विवाद के ऊपर। वादे वादे जायते तत्व बोध, तत्व बोध वादे जायते जायते, जायते जायते वादे तत्व बोध, यानी हम अपने शब्दों कहीं भी लेके आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एक सूत्र है उपनिषद का, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु और महामृतम गम्य। तो आज संस्कृत पीड़ित है लेकिन पराजित नहीं है, हर कदम पे हर जगह वो है। जैसे जिस तरह मैं अभी कहा कि अस्तो मा सत्यम है, असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है अपनी देव भाषा संस्कृत। जो प्रेम जो साथ मुझे मम्मी ने दिया उसके धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि मेरी कृति, मेरी रचना, मेरा सृजन अहम ब्रह्मास्मि काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।